हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आई एम रिया ठाकुर। सो दिस इज़ डे 5, बट अभी गौरी आई है इसलिए अब हम विसर्जन नहीं कर सकते। डे 5 है तो हमें डे 7 का वेट करना पड़ेगा। सो हियर माय डे स्टार्ट बाय मेकिंग चाय फॉर एवरीवन। एंड फिर यहाँ पे मैं फ्रेश होके बस बैठी थी। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियड्स, तो यहाँ पे पीयू बस मेरा व्लॉग ले रही थी। एंड देन फिर मैं सोची कि सब जब तक आरती वारती करते मैं सबका ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्रेड को टोस्ट कर रही थी। टोस्टर निकालने की भी हिम्मत नहीं थी तो हम वही कर रहे थे बस। तो गाइस पीयू कुछ लॉजिक बताने वाली है आप लोगों को। अच्छा, कोई भी ओकेशन है या कुछ भी नहीं तो हमेशा हर रोज ना रंगोली चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर रोज तो लोग रिपीट नहीं होंगे ना, तो वो सेम ही रंगोली रखा करो। तो कोई जो भी आएगा उसको नया ही लगेगा वो। तुम अपना स्टेटस भी मत ढालना, स्टोरी भी मत ढालना, बहुत अच्छे से हो जाएगा काम, हर रोज नहीं करना पड़ेगा। और रोज थोड़ी सेम लोग आएंगे। वही तो, शी इज डम गाइस, लॉजिकल लॉजिकल डम उसको डाल दो। लॉजिकल लोगों को ये अक्सर लोग डम कहते हैं। ओह माय गॉश, कहीं तुम इन लॉजिकल लोगों में से तो नहीं। ओ योगा योगा गाइस योगा। और ये क्या है मैडम, बता दीजिए जरा। आपकी थाली में भजा है, दाल है, राइस। ओके, और कुछ नहीं है मैडम? ओके, थैंक यू। जैसे कि हमें अपडेट मिला है कि लाइक हम फ्राइडे पे विसर्जन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कल ही गौरी आई है। द रीज़न वी हैव टू वेट टिल 7th, मतलब 7वें दिन तक, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारे पापा 7वें दिन पे ही जा रहे हैं। नो मैटर हाउ, लगता है मुझे तो ऐसा फील होता है कि उन्हें हमारे घर पे रहना बहुत पसंद है। सो यहाँ पे मम्मा बस रेडी कर रहे थे प्लेट नीचे के पापा के लिए और घर के पापा के लिए। तो यहाँ पे मतलब पहले घर पे लगाते हैं भोग ऑलमोस्ट 12:30 से 1 के बीच में, एंड देन फिर नीचे जाते हैं भोग लगाने ये लोग। मैं और मम्मा तो यूज़लेस फील होने लग गए, पता नहीं क्यों। एंड देन मेरे ट्यूशन का क्यूट सा बच्चा आया था एंड आधे से ज़्यादा पता नहीं कहाँ है, सब छुट्टी मना रहे मज़े में। एंड देन फिर ये लोग नीचे गए, नीचे के पापा को भी भूख लगाया। बहुत सुंदर मूर्ति है यार, इस साल मैं हर साल जाती नहीं बट दिस वाज फर्स्ट टाइम जब। एंड देन फिर इवनिंग के आरती के लिए मम्मा ने प्रसाद बनाया था, मैं यहाँ पे उनकी हेल्प कर रही थी गुड़ खींचने में। नारियल और गुड़ का मोदक बना रही थी, सूजी का मोदक बन रहा था यहाँ पे, मतलब इवनिंग आरती के लिए। तो मम्मा वॉज मेकिंग दैट, और थोड़ा सा मतलब मेरी मम्मी हर चीज़ का मोदक बना सकती है, मतलब शी कैन मेक एवरीथिंग इनटू मोदक स्टफ करके, इतने ब्यूटीफुल से बन गए थे। फिर वही चल रहा था यहाँ पे, ये मोदक का साँचा इस साल बहुत काम आया, क्योंकि इस साल हमने जितना घर पे मोदक एक्सपेरिमेंट किया आई डोंट थिंक सो इससे पहले 6 सालों में कभी किया है। दिस वॉज आवर 6th ईयर ऑफ गणपति बापा, 7th ईयर ऑफ गणपति बापा एक्चुअली। तो यहाँ पे वही मम्मी मोदक बना रही इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग आरती के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इस साल का गणपति वॉज ब्यूटिफुल। और फिर मैं रेडी तो हुई थी पिक्चर्स के लिए बट मैंने एक सिंगल पिक्चर नहीं लिया, आई डोंट नो वाई, एक्चुअली आई नो वाई, एक सिंगल पिक्चर नहीं ले पाई मैं, पर मैं सुंदर तो लग रही थी। तारीफ कर दो गाइस कमेंट में एटलीस्ट थोड़ी बहुत, उसी से मैं खुश हो जाना पसंद करूँगी। यहाँ पे दीदी से हो ही नहीं रहा है, मम्मी ने बाल्टी भर के आटा दिया हुआ है। सो ये है डे 6, मैंने डे 5 और डे 6 को मर्ज कर दिया जस्ट बिकॉज डे 5 के व्लॉग बहुत छोटे थे क्योंकि हम सब बिजी। तो यहाँ पे मैं मम्मी को ब्रेकफास्ट में हेल्प कर रही थी और मम्मी काजू के मोदक बना रहे थे पापा के लिए सुबह की आरती के लिए। जैसे कि मैंने पहले बोला है, इस साल हमने लिटरली मोदक के साँचा का बहुत यूज़ किया है लिटरली। और आज विसर्जन भी है, बहुत बुरा लग रहा है कि पापा चले जाएंगे, मतलब
मतलब एक तो मैं उनको छू नहीं पा रही, मेरा इतना मन दिल सब दर्द में है ना, मैं बता नहीं सकती गाइस। टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। साइड में चाय बनती हुई पियो के लिए स्पेशली। भूल जा तू मुंह में, काम कर हमारे, ये चालू करना होता है। हेलो मम्मी। ओ मम्मी अभी बना रही है, क्या बना रहे हो मम्मी आज स्पेशल? आज पापा का लास्ट डे आएगा है ना मम्मी? क्या बन रहा है? पुलाव, हाँ, खीर, हाँ, चना मसाला। वाह, देखते हैं क्या होता है। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, ये मम्मी साड़ी पहन के काम करते हुए पूरा मेकअप सब हो चुका है, मम्मी ये खाना बना रही है। टैलेंट टैलेंट गाइस, टैलेंट। और यहाँ पे कटिंग कुटिंग चल रही है आज के स्पेशल लंच की। और ये मैं अपने टूटे हुए स्टैंड में बना रही हूँ, जो आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, पर मैंने जो स्टैंड लाया था उसने वो तोड़ दिया है और मैं उस पर ही बना रही हूँ। यहाँ हमारा लंच ऑलमोस्ट बन चुका है। लिटरली मेरी मम्मी किचन में जाती है और चुटकी बजा के बाहर आ जाती है। सारे मेडल्स बन के क्या मिलने वाले हैं उसको ही पता। अब मैं बाकी के अपने पिक्चर्स देख रही हूँ स्कूल के, तो अभी मेडल बन के क्या मिलने वाला है? लुक एट हर, ये मेरे एनुअल डे का फोटो है। तो क्या महारानी है ऐसे सोई है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबकी मॉम सुपर वुमेन होंगी और होती भी है, टचवुड उन लोगों को कभी नज़र ना लगे, बट माई मॉम इज़ नेक्स्ट लेवल। वो किचन में जाती है, लिटरली 10 मिनट बाद आके वो सबको बोलती है खाना रेडी है आ जाओ। लाइक शी कैन डू एनी थिंग इन जस्ट लेस देन अ मिनट। लाइक चुटकियों में खाना बनाती है, जैसे वो अपन अलादीन का चिराग घिस के भूलते हैं ना, माई मॉम लिटरली डू दैट गाइज। देन फिर पापा का लंच रेडी हो चुका था, तो यहाँ पे मम्मा वही प्रिपेयर कर रहे थे, पुलाव, छोले और पनीर, खीर, श्रीखंड, बहुत ही यम्मी सा बना था। एंड देन फिर मम्मी आज मस्त नवारी साड़ी पहन के रेडी हुई थी, तो फिर मम्मा ने ही आज भूख लगा दिया, क्योंकि मम्मी लिटरली बहुत 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 ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, जैसे कि आप सब देख सकते हो। सब लोग तारीफ़ कर दो कमेंट में ताकि वो खुश हो जाए। एंड देन फिर मेरे बच्चे आए थे ट्यूशन में, देन फिर उन्होंने भी लंच किया आज हमारे घर पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्यूटीज लोग लंच कर रहे हैं। एंड देन वाला दादा जैसे कि आई टोल्ड यू कि आज विसर्जन डे भी साथ में ही था, तो मतलब हम लोग लास्ट आरती कर रहे थे घर पे पापा की, क्योंकि अब आरती अगले साल ही होगा एक्चुअली। तो ये लास्ट आरती जब हम लोग मिलकर आरती कर रहे थे पापा की, मतलब आखिरी आरती ऑफ द ईयर बोल सकते हैं। पंडित जी आए थे घट हिलाने के लिए, क्योंकि वो मतलब उनका प्राण निकालने के लिए। फिर वो जाने के बाद हम सारा मतलब जो भी शॉल वगैरह था वो सारी चीजें निकाल रहे थे। सब गुला हाथे तुले ना ना, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। उल्टो पे रोबी है, लवकर या उल्टो पे रोबी, दाढ़ी था गोरम बाबे। इट वॉज द वर्स्ट फीलिंग एवर, मतलब पापा घर से जा रहे थे सब रो रहे थे, इतना बुरा लग रहा था। पीयू तो रोने ही लग गई थी, बट फिर हम लोग पापा लेके गए, क्या कर सकते हैं, वो जाएंगे तब अगले साल वापस आएंगे, इसीलिए हमने उनको अलविदा कहा, फिर अगले साल वापस वेलकम करना है। मैंने एक रील देखा था कि पापा जब जाते हैं उनके साथ हमें ना मोदक की पोटली देनी पड़ती है, तो मैंने सबका देखा, किसी ने नहीं दिया था, हमने उनके हाथ में मोदक की पोटली दी थी और वो उनके साथ जा रहा है। आई एम द हैप्पीएस्ट हैप्पीएस्ट किड एवर।
आप लोग एंड तक देखना, उनके हाथ में जो रेड पोटली है ना उसमें मोदक हमने पैक, मतलब उनके घर पहुंचने तक उनको अगर भूख लगे तो वो क्या खाएंगे, तो इसलिए हमने उनको रेड पोटली में मोदक पैक करके दिए थे। आप देखना एंड तक, वो मतलब उनके साथ ही जा रहा है। आई एम द हैप्पीएस्ट किड बोल लो एवर एवर एवर, मतलब इतना खुशी हुई ना मेरे को भाई मैं बता नहीं सकती। एंड फिर जहाँ विसर्जन हो रहा था बाजू में एक गणपति की मतलब ये था पंडाल, तो मैंने सोचा वहाँ भी जाके आते, मम्मा को बोला मम्मा प्लीज़ चलते हैं। फिर हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हमने थोड़ा दर्शन वर्शन कर लिया एंड फिर घर वापस लौट रहे थे। तो इतने सारे विसर्जन पे ले जा रहे थे सब लोग, इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना क्यूट बापा देखा मैंने, एक छोटा सा बेबी फेस, बट मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज मैं इसमें थी। इतने प्यारे थे ना मतलब, और इतना रोना भी आ रहा था कि सब लेके जा रहे, सब सैड होते उस मोमेंट पे, मतलब कैसे बताओ, आई डोंट नो। बट यस, जिनको जाना है वो तो जाएंगे, जिनको आना है वो तो आएंगे, एंड नेक्स्ट ईयर तो वापस उनको लाना है हमने घर पे। फिर जब हम आफ्टर विसर्जन घर आए, सारा सामान लेके, इतना बुरा फील हो रहा था, माय मॉम वाज लिटरली क्राइंग ओवर देयर। हर साल मम्मी का रिचुअल है रोना, क्योंकि पापा जाते तो किसको अच्छा लगता है, बुरा तो लगता है। बट यस, फिर हम सब घर आ गए पापा का, मतलब पापा को उधर छोड़ के, कलेश में उन्होंने पानी दे दिया था हमें पूरे घर पे छिड़कने के लिए। एंड फिर हमने घर आके फिर से आरती की, क्योंकि ये रिचुअल होता है, सबको पता ही होगा, मैं ऐसे बस आप लोगों को बता रही हूँ फॉर द नॉलेज। एंड फिर हम सब ने आरती की बहुत अच्छे से। सो दैट्स इट फॉर द गणपति सीरीज़ व्लॉग गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं ट्राई करूँगी कि कल से वापस रेगुलर व्लॉग डालूँ। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर शोरिंग मी दिस मच लव।